आज या तो डॉक्टर की डिग्री गायब होगी या मेरा लीकेज ठीक होगा। इतनी गर्मी में भी चद्दर ओढ़ के सो रही है? ये चादर मेरी है, मेरी चादर मेरी मर्जी के बगैर कोई नहीं ओढ़ सकता। ये तो हद हो गई, मेरी बिल्ली मुझी को ब्याऊ। अरे ये ऐसे क्यों कर रही है? ये इसे क्या हो गया? कहीं इस पर काला साया तो नहीं चढ़ गया? अरे बाप रे। क्या बे, मैं तुझे ढूंढने के लिए पूरा घर छान मारा और तू यहाँ है? मेरे दर्द की कोई दवा नहीं? अब तो तू डॉक्टर कम प्लम्बर ज्यादा दिखता है। चुप रहना, मरवाई का क्या? क्या चुप रहूं, अंदर ज्वालामुखी फट रहा है, एक महीने से ठीक से नहीं खा पाया हूं। अरे जब पुराना माल निकलेगा तभी तो नए माल की एंट्री होगी। ठीक कर दे पापी, पेट का सवाल है। अरे मानिकराज शांत हो जाओ, और मुझे सबसे पहले तुम एक बात बताओ, तुमने अपनी पूरी जी जान लगा दी थी उसके लिए? कमोड पर अच्छी तरह विराजमान होके मैंने उस मंत्र को 1000 बार पढ़ा, उसके बाद गबड़ गबड़ करके अपना पेट हिलाया, कोई भी मटेरियल बाहर नहीं निकला। अगर तूने बीमारी ठीक नहीं की तो देख मैं तेरा क्या हाल। बच्चा दिखता हूँ, सुसु करे। शांत हो जाओ मानिकराज, ये पेन ले लो। अब इस पेन का क्या करूँ? पहली बार तुम्हारा इलाज नहीं हुआ था ना, अब जरूर होगा। चलो अब झुको, झुको, झुक जाओ, झुको। अब मंत्र पढ़ के आसमान में छेद करो। मंत्र पढ़ के आसमान में छेद करूँ? छेद हो जा आसमान में। मानिकराज जी, मैडम आधी रात को तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, वो आसमान में छेद करने की कोशिश कर रहा हूँ। अनु अभी अभी यहाँ से गई है, उसे ढूंढने में मदद करो। अजीब सी हरकतें कर रही थी। तुमने कोई आवाज सुनी? हाँ मैडम। गुड आफ्टरनून मैडम। ये क्या मजाक है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो मैं अपना चमत्कारी पेन लेने आया था, बाबा झोलरदास ने वो चमत्कारी पेन मुझे गिफ्ट में दिया था। ओह, मेरी पेन आपके पास है, थैंक यू सर। ये ला पेन मुझे दे, आज आसमान में छेद करके रहूंगा और उसके बाद मेरी फीस याद है मैम। छेद कर। क्या हुआ चारी, यहाँ ऐसे अकेले क्यों खड़ी हो? सुखी तू खड़ी छे, आप मेरा जेंडर भूल गई? क्या हुआ मैडम, आप स्टैचू बन के क्यों खड़ी हैं? मुझे ऊपर गर्मी लग रही थी इसलिए खुली हवा में आ गई। अच्छा तो हवा खाकर पेट भर रही है, तुम्हें चाहिए ना, सोई जाओ मैडम। क्या मुसीबत है, खड़े खड़े तमाशा क्या देख रहे हो, जाके देखो लाइट को क्या हुआ है। जी मैडम। अभी भाई मेरा पेन, छेद कर, उसमें रिफिल नहीं है। तुम यहाँ क्यों आए हो चैतन्य, अगर तुम्हें मम्मी ने देख लिया होता तो? अनु सिचुएशन बहुत खराब हो गई है, तुम्हारी माँ तुम्हें ऐसे ही मंदिर में मन्नत पूरी कराने नहीं ले आई है, वो चाहती है कि तुम इस फार्म हाउस ओनर के बेटे से शादी कर लो। बचने का कोई तो रास्ता होगा। अनु अगर तुम अपनी माँ से माफी नहीं मांगोगी तो बात और बिगड़ती ही चली जाएगी, कल सुबह सबसे पहले तुम उनसे सॉरी कह के उनसे माफी मांग लेना। अगर उन्हें लगेगा कि तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है तो वो तुमसे बात कर लेंगी, फिर उन्हें हमारे बारे में बताकर मैं किसी भी तरह से कन्विंस कर लूंगा, ट्रस्ट मी। इसमें मेरी कोई गलती नहीं है इसलिए मैं उनसे माफी नहीं मांगने वाली। मूव। अनु अरे छोड़ी दो ना बॉस, उसने आपकी शादी के लिए आपके पापा के पैर पड़ने से मना कर दिया था, तो अपनी माँ से माफी कहाँ से मांगेगी? सपना देखना छोड़ दो बॉस और जमीन पर आ जाओ। सुबह सुबह जब भगवान का मंदिर खुलेगा ना तो दिल से प्रार्थना करना, वही आपकी नैया पार लगा सकते हैं। जय माता दी। मेरे प्लान के मुताबिक चलते ना बॉस तो लाठी भी नहीं टूटेगी, और है ना कुंडा। क्या कह रहे थे चारी? कुछ नहीं मैडम, बस ऐसे ही बात कर रहे थे। अनु बचपन के बारे में कुछ बता रही थी, वही कह रहा था वो। ओ, और क्या कहा था? बॉस अभी नहीं, बाद में। कुछ नहीं होगा, बताने देना। ठीक छे। उसके पैदा होने से पहले आपने लड़की की मन्नत मांगी थी ना? उसे अब तक ये बात याद है? कैसे याद नहीं होगी मैम, वो आज इस मंदिर में यही मन्नत मांगने आई है कि आप दोनों में जो झगड़ा है वो यही खत्म हो जाए और आप दोनों फिर से एक दूसरे से पहले जैसी बातें करने लगे। वो मुझसे माफी मांग सकती थी, मैं माफी देने से मना थोड़ी कर देती, आखिर मैं उसकी माँ ही तो हूँ। वो आपकी सारी बातें मानने को तैयार है लेकिन वो चाहती है कि आप भी उसकी सारी बातें समझने की कोशिश करें। यस मैम, वो उस लड़के से भी शादी करने के लिए तैयार है जिसे आपने उनके लिए चुना है। मैम
ऐसा कहते हैं कि एक माँ से ज्यादा उसके बच्चों को और कोई प्यार नहीं करता, और अगर ये बात सच है और आप अपनी बेटी से प्यार करती हैं तो जाकर उससे बात कर लीजिए प्लीज। मतलब अगर आप चाहें तो उसे एक मैसेज भेज सकती हैं कि अनु आई वांट टू टॉक टू यू, बस शायद वो मैसेज पढ़कर खुद ही आपसे बात करने आ जाए, इससे आपका ईगो भी हर्ट नहीं होगा। मैम अनु आपके सामने ही है शैलजा जी, उसकी शादी की खातिर एक मैसेज आपको उसे करना ही चाहिए, मेरी बात मानिए। चाहती है। आपका टाइम आएगा। थैंक यू सो मच। टाइमिंग गलत हो गया। अनु, अनु, ये मैं हूँ चैतन्य। तुम्हारी मम्मी तो वहाँ खड़ी है। शायद तुमने अपनी मम्मी समझकर मुझे ही गले लगा लिया, लेकिन वो तो वहाँ पर हैं। आप भी ना मैडम, माँ से बात होने की खुशी में इनका हग ही पूरी तरह से भटक गया। इनको तो अपने बेस्ट फ्रेंड में भी अपनी माँ का रूप दिखने लगा। इसे कहते हैं माँ के लिए बेटी का सच्चा प्यार। अनु टाइम वेस्ट मत करो, जाकर उनसे बात कर लो। वाह 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 वाह, इसने यहाँ भी नाटक शुरू कर दिया। इस हैप्पी सिचुएशन में विलेन की एंट्री कहाँ से हो गई? अब खड़े खड़े मुंह देखेंगे या कुछ बकेंगे भी? Who are तू? इसकी बहन के साथ मेरे बेटे की पिछले महीने सगाई होने वाली थी और मैं इसका अंकल बनने वाला था। पर बने तो नहीं ना। अब आप क्या चाहते हैं? ज्यादा कुछ नहीं, बस शैलजा जी से बात करना चाहता हूँ। मैं हूँ शैलजा, क्या बात है? ये लड़का और आपकी बेटी अनु दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, यहाँ तक कि आपकी मर्जी के बिना इन दोनों ने सगाई भी कर ली है। दोनों ने 25 तारीख को शादी करने का फैसला लिया है और इसके पापा ने ये सब कुछ अनाउंस भी कर दिया है। हे, तू जानता है मुझसे झूठ बोलने का अंजाम क्या है? मैं जानता था आप मेरी बातों का यकीन नहीं करेंगे, इसलिए सबूत साथ में लाया हूँ। ये देखिए, गौर फरमाइए अच्छी तरह से। बड़ी अजीब बात है, यहाँ जितने भी लोग खड़े हैं सब सच्चाई जानते हैं, बस आप ही नहीं जानती। तुम लोग चुप क्यों हो? बोलो ना भाई। हाँ माँ, मुझे इस बारे में पता था, लेकिन अनु ने खुदकुशी की धमकी दी थी, इसलिए मैंने आपको। मैम प्लीज मेरी बात सुनिए, लेट मी एक्सप्लेन। मैम प्लीज, मैम प्लीज मेरी बात तो सुनिए। मैम मैम सुनिए मैम। ये तू जानता है मुझसे झूठ बोलने का अंजाम क्या है? मेरी बेटी बराबर की जिम्मेदार है, इसलिए छोड़ रही हूँ, वरना मैं यही तुझे जिंदा गाड़ देती। मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। तुझे आधे घंटे का वक्त देती हूँ, अगर आज के बाद तू यहाँ कहीं भी दिखा तो सच में तुझे गाड़ दूंगी। तुम बाप के नाम पे कलंक हो। अब चलते हैं। Thank you.
शैलजा जी मेरी बात सुनो। मुझे कुछ नहीं सुनना। अगर इसे अपनी माँ की ही इज्जत नहीं है, ना ही परिवार की मान सम्मान की इज्जत है, इसे नफरत है मुझसे, ये मुझसे दूर रहना चाहती है, तो इसे डांट कर कोई फायदा नहीं। मुझे लगा मेरी बेटी में बहुत घमंड है, पर वो तो झूठ बोलना भी सीख गई। इसने बिना पूछे अपनी सगाई कर ली, क्योंकि इसकी नजर में अपनी माँ की कोई कीमत ही नहीं। 5 साल पहले भी इसने मुझे बेइज्जत किया, इसीलिए मैंने इससे बात करनी बंद कर दी थी। इसकी शादी के लिए मैंने एक से एक लायक लड़के ढूंढे, डॉक्टर ढूंढा, वकील ढूंढा, इसने सबको रिजेक्ट कर दिया। और इस लड़के के लिए तूने मुझे धोखा दिया? हाँ? शैलजा रेड्डी का नाम सुनते ही दुश्मनों की रूह कांप जाती है, लेकिन आज मेरी अपनी ही बेटी ने मेरा अस्तित्व बिठा दिया। शैलजा जी, मैंने कभी आपके खिलाफ कुछ नहीं कहा, मेरी बात मानिए, ये आपकी बेटी है, आपको कभी धोखा नहीं देगी, क्योंकि ये आपसे प्यार करती है, ठीक वैसे ही जैसे आप इससे प्यार करती हैं। अगर ये मुझसे प्यार करती है, तो इससे कहो कि मेरी हर कही हुई बात को मान ले, बिना किसी घमंड और जिद के। इसने कहा कि मुझे आर्ट पढ़ना है और हमने इसे पढ़ने दिया। अब इससे कहो कि चुपचाप मेरा कहना माने, जिसे मैंने चुना है उससे शादी करे। पर उसकी मर्जी के बिना ये नहीं। जानू, जबान लड़ाते हो।